हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अल्फा आईएएस एकेडमी फ्री एथिक्स फाउंडेशन कोर्स एंड वी आर एट दी पार्ट 6 ऑफ लेक्चर 3। ज़्यादा परेशान मत हो, बस इसके बाद एक लेक्चर और ये इनफैक्ट ये भी बहुत छोटा लेक्चर है। हम छोटे लेक्चर इसलिए बनाते हैं ताकि आपको ईज हो पढ़ने में। हमने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है कि वो कंसिस्टेंट भी रहे और आपको ईज भी रहे पढ़ने में और आपके टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएँ। इसके बाद एक पार्ट 7 और आएगा एटीट्यूड का और हमारा एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा सिलेबस वाइज। बाकी तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहना चाहिए और वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल लर्न अबाउट द डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटीट्यूड। डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटीट्यूड में तीन चीज़ पढ़ेंगे हम, जिससे कि जो कि डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटीट्यूड की, एटीट्यूड स्ट्रेंथ, एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी एंड एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। दस आपको अगर सिंपली एटीट्यूड पढ़ना है तो आप ABC पढ़ सकते हैं कि हाँ एटीट्यूड ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अगर उसको आपको डायनामिक तरीके से पढ़ना है या डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ एटीट्यूड पढ़ना है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा डायनामिक इम्प्लीकेशन उसका, कि आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव कैसे करते हो, आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करते हो, आप इंफॉर्मेशन को जज कैसे करते हो। और इसी को जब आप स्टडी कर लेंगे तो यही जो है एटीट्यूड का फॉर्मेशन करेगा, यही आपको उसका एटीट्यूड बताएगा। दस एटीट्यूड हैव सेवरल डायनामिक प्रॉपर्टीज दैट हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिट्रीवल एंड बिहेवियर। थ्री सच प्रॉपर्टीज आर एटीट्यूड स्ट्रेंथ, एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी एंड एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। अब एटीट्यूड स्ट्रेंथ क्या होती है कि भैया स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो, कितना दम है आपके एटीट्यूड में, कितना दम है, पता लग रहा थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, तो आपका एटीट्यूड में कितना दम है वही हुआ एटीट्यूड स्ट्रेंथ, कि वो आपका एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है, ठीक है। दस और जो एटीट्यूड की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट एटीट्यूड्स की डिफरेंट पर्सनैलिटी के लिए डिफर करती है, चेंज होती रहती है। किसी मान लिया कोई पर्टिकुलर ए बंदा है, उसके अंदर XYZ अगर मान लिया तीन एटीट्यूड हैं, तो हो सकता है कि एक्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, वाई की मीडियम हो और जेड की स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर हो। कि कोई सिचुएशन जब वो जिसमें कि जेड एटीट्यूड का इस्तेमाल होना है, जैसी वो सिचुएशन आए तो वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे आपको एम्बिगुअस है तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है एटीट्यूड बिहेवियर, कंसिस्टेंटी के लिए सही नहीं है। हमने कल भी पढ़ा था कि इट इज़ नॉट गुड फॉर एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी, बिकॉज मोर इज़ द एटीट्यूड स्ट्रेंथ, मोर इज द कंसिस्टेंसी बिटवीन द स्ट्रेंथ एटीट्यूड स्ट्रेंथ एंड बिहेव सॉरी मोर इज द एटीट्यूड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इज द कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो आपका जितने एटीट्यूड की स्ट्रेंथ मजबूत होगी उतना ही आपका बिहेवियर एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। दस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एटीट्यूड्स आर एटीट्यूड्स दैट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू सेल्फ, जो आपके से खुद रिलेटेड होते हैं। अभी हम स्टडी भी देखेंगे कि क्या वो एग्जाम्पल पहले ही देख लेते हैं। खैर अगर कोई लॉ पास हुआ जिसमें कि ये बताया गया कि 25 साल से नीचे वालों के लिए ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड है, पीना मना है, तो जो लोग सबसे ज़्यादा बवाल करेंगे या सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी वो 22 से 23 साल वाले व्यक्ति होंगे। जो 40 साल का होगा, जो 30 साल का होगा, जो 35 साल का होगा, उनमें कोई एटीट्यूडनल चेंज नहीं आएगा क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और वहाँ से आपको कोई भी अपोजिशन या नहीं मिलेगा। अपोजिशन मिलेगा आपको 22, 23, 24 साल से या 24 साल 11 महीने का जो हुआ है उससे, क्योंकि वो लॉ उस पर अप्लाई हो रहा है। दस रिसर्च शोज दैट ग्रेटर आपका जितना वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सच एन एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। जितना आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में उतना ही आपका जो है एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा, उतना ही एटीट्यूड बिहेवियर में दिखाई देगा। फर्दर एटीट्यूड्स आर इंटेंस, इंपॉर्टेंट और हेल्ड विद ग्रेट सर्टेनिटी, आर एसोसिएटेड विद क्लियरर एंड मोर यूनिवोकल एंड एक्सेसिबल एटीट्यूडनल क्यूज, ठीक है। These attitudes are often related to important values. Attitude strength जो है several dimensions के around revolve करती है, उसमें से चार हम पढ़ लेते हैं। Certainty की भाई कितना certain है कि आप उस time पे वो चीज़ करेंगे, वो आपकी certainty दिखाती है। और वो कैसे आएगी कि आपको कितनी नॉलेज है उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में। अब आपको एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आपका एटीट्यूड जज कर पाना बहुत मुश्किल है। आप कैसे भी रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज है, वो सिचुएशन आपके पहले भी आ चुकी है, आपने एक तरीके से रिएक्ट किया था, तो
आसानी हो जाएगी आपका बिहेवियर जज करने में। फिर आपकी इंटेंसिटी और एक्सट्रीमिटी। अब एक्सट्रीमिटी और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें। नाउ एक्सट्रीमिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस, ठीक है, कि कितना आप उस इवेंट या ऑब्जेक्ट के प्रति फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, वो आपकी क्या है, एक्सट्रीमिटी है। इंटेंसिटी क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को देख के आपको कितनी फीलिंग आ रही है, कितनी स्ट्रांग आपकी फीलिंग है, वो क्या है, आपकी इंटेंसिटी है। दस इंटेंसिटी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फीलिंग, दैट इज हाउ स्ट्रांग इज द इमोशनल रिएक्शन प्रोवोक्ड बाय द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने तानिया और वेदिका का एग्जांपल लिया। अब दोनों का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है डॉग्स के प्रति, थोड़े से उनको डॉग से डर लगता है या वो नफरत सी करती हैं। तानिया जो है अवॉइड करती है डॉग को टच करना, वाइल वेदिका को डॉग देखते ही मतलब वो तो लाल पीली हो जाती है, मतलब उस डर के मारे वो पीली पड़ जाती है। तो क्या है तानिया में, क्या है तानिया के अंदर, इंटेंसिटी है, ठीक है, उसको जो है ठीक है, बड़ा चिल है। बट वेदिका क्या है, वेदिका के अंदर एक्सट्रीमनेस है, जो उसका इमोशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डॉग्स के प्रति, ठीक है। तो उससे क्या हो जाती है, वो ज़्यादा उसका जो इंटेंसिटी है उस एटीट्यूड या उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। देन एटीट्यूड ओरिजिन, अब एटीट्यूड का ओरिजिन तो हो गई, ठीक है, वो शेप होगा वो अलग बात है, बट एटीट्यूड का ओरिजिन कैसे होगा। तो एटीट्यूड्स फॉर्म थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन दोज फॉर्म विदाउट सच एक्सपीरियंस। आपको जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है और जो चीज़ आपने सुनी है या देखी है, आपने यूट्यूब पे देखी और वो चीज़ वाकई आपके साथ घटित हुई, दोनों में जो आपका एटीट्यूड का ओरिजिन है, जो उसकी स्ट्रांगनेस होगी, स्ट्रेंथ होगी, उसमें भी डिफर आएगा, डिफर करेगी। अगर मान लिया जैसे वेदिका और तान्या का हमने एग्जांपल ले दिया, हो सकता है कि वेदिका का नेगेटिव एटीट्यूड डॉग्स के प्रति इसलिए है क्योंकि वेदिका को डॉग्स ने कभी काट लिया हो, वाइल तान्या का इसलिए हो क्योंकि तान्या वेदिका की दोस्त है, तान्या ने वेदिका से बस सुना था कि यार मुझे ना डॉगी ने काट लिया था और मुझे 5 इंजेक्शन लगे थे, तो बाय द मियर फियर ऑफ दैट इंजेक्शंस तान्या हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डॉग। तो क्या है ये, कैसे ये ओरिजिन से है भाई, वेदिका को क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस है और तान्या को क्या है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, दोनों ही एटीट्यूड शेप कर रहे हैं, दोनों का ही नेगेटिव एटीट्यूड है डॉग्स के प्रति। देन सेकंड इज एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। देखो एक्सेसिबिलिटी की मतलब बस रेडी है, एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल कितना है, बस आपने ऑब्जेक्ट सिचुएशन इशू रखा, आपका एटीट्यूड एकदम बाहर है, बस टाइम नहीं लगा, सेकंड नहीं लगने भाई को रिएक्ट करने में, तो वो क्या है, जितना कम समय उतना एटीट्यूड आपका एक्सेसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी मेमोरी से एकदम रिट्राइव हो जा रहा है, जितने जल्दी आप अपनी मेमोरी से कोई भी एटीट्यूड रिट्राइव कर पा रहे हैं उतने ही आपका एटीट्यूड एक्सेसिबल है, और जितनी ज़्यादा एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी उतना ही आपका ज़्यादा क्या होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी से, ठीक है, जितनी आपकी एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी है उतनी ही आपका एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी से आपका रिलेशन है, ठीक है, कम होगा तो ये भी कम होगा, वो ज़्यादा होगा तो वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हाउ रेडिली अवेलेबल इज एन एटीट्यूड अबाउट एन ऑब्जेक्ट इशू और सिचुएशन, इट्स कॉल्ड द एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। नाउ सम एटीट्यूड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर यूनिवोकल एंड हाईली एक्सेसिबल क्यूज इन द मेमोरी, और वो जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या है? मतलब वो एटीट्यूड्स आपके मोर एक्सेसिबल हैं, और कुछ क्या होंगे, वो वीक होंगे, एम्बिगुअस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इनएक्सेसिबल होंगे, या आप सोच ही रहे हो कि यार क्या करूँ ना करूँ, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो क्या होगा, इनएक्सेसिबल होगा। देन एक्सेसिबिलिटी इज अज्यूम्ड टू रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन मेमोरी बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट एंड द इवेल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ डिमेंशन रेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हम आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, कोई एटीट्यूड ऐसा नहीं कि पूरा पॉजिटिव हो या पूरा नेगेटिव हो, वो मिक्स ही होता है। इनफैक्ट पास स्टडीज कंक्लूड दैट एक्सेसिबल एटीट्यूड्स आर मोर रेजिस्टेंट टू चेंज। जितना ज़्यादा आपका एटीट्यूड कोई भी एक्सेसिबल होगा, जितनी जल्दी आप उसको रिट्राइव कर पा रहे हैं, उतना मुश्किल हो जाएगा उसको चेंज करना, ठीक है। आप गोलगप्पे देखते ही गोलगप्पे की ठेली पे बस खाने पहुंच जाते हैं, तो क्या आपका मोर एक्सेसिबल एटीट्यूड है, और वो क्या है, मोर रेजिस्टेंट होगा चेंज करने में, आपको चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी हैव ऑल्सो बीन शोन टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, जितना आपका एटीट्यूड एक्सेसिबल होगा उतना आपका एटीट्यूड बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होगी। नाउ द लास्ट वन इज एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है, बाई डाउट है मेरा एटीट्यूड इस चीज़ के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे खुद नहीं पता। एग्जांपल देते हैं बहुत ही अच्छा, आपने जीवन में किसी व्यक्ति से प्यार किया,
बहुत लंबे समय तक आप दोनों साथ रहे, आपके मन में वो प्यार था, किसी कारणवश आपकी शादी नहीं हो पाई और आपके मन में क्या हुआ, आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप क्या है, एक नेगेटिव इमोशन है। आप 10 साल बाद उसी व्यक्ति को दोबारा दिखा या देख आपने देखा तो आपके मन में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको प्यार से बात करूं, गुस्से से बात करूं, कैसे बात करूं। आप रियल लाइफ में भी इस चीज़ को पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या है, एम्बिवेलेंट हैं, आपके अंदर एम्बिग्यूटी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस अपना एटीट्यूड मेरा इस पॉजिटिव रखूं इसके प्रति या नेगेटिव रखूं कि तुमने मुझे धोखा दे दिया था, तुम चले गई थी या तुम चले गए थे, हैं, या मैं उसे प्यार करूं कि नहीं यार, मैं तो एक टाइम पे तुमसे प्यार करता ही था, है ना, वी यूज़ टू लव इच अदर। तो आपके अंदर क्या है, एक एम्बिग्यूटी है, आपके अंदर एटीट्यूड जो है वो एम्बिवेलेंस है, आपके तो समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है। दस एटीट्यूड एम्बिवेलेंस रेफर्स टू द फैक्ट दैट आवर इवेल्युएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इश्यूज इवेंट्स सिचुएशंस और पीपल आर नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव, आवर इवेल्युएशंस आर ऑफन मिक्स्ड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। एटीट्यूड एम्बिवेलेंस अकर्स व्हेन देयर इज इवेल्युएटिव टेंशन एसोसिएटेड विद वंस एटीट्यूड बिकॉज द समरी इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेल्यूएशन। भाई किसी भी चीज़ को आप इवेल्यूएट करते हो, है ना, आप मान लिया स्पीकर खरीदने गए, ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर कंपनी का स्पीकर खरीदने गए, आपको पता है कि मुझे इसी कंपनी का स्पीकर लेना है, तब भी आप उसके पॉजिटिव देखोगे, हाँ इसकी आवाज़ अच्छी, इसका बास ठीक है, लेकिन इसकी बैटरी बैकअप कम है, है ना, तो वो उसके नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप उसको इवेल्यूएट करोगे। तो इसी से क्या जनरेट होगा, जो ये जो ये आपका दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, एटीट्यूड एम्बिवेलेंस, आपको समझ में ही नहीं आएगा और हो सकता है कि आप बिना खाली हाथ कई बार वापस आ जाएं। इनफैक्ट रिसर्च ऑल्सो शोज दैट देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज एसोसिएटेड विद द टेंडेंसी ऑफ एम्बिवेलेंस। इनफैक्ट जिसके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड एम्बिवेलेंस होता है ना, वो ये पाया गया है कि उस बंदे के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ होती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूज लोग होंगे ना, उनके अंदर एटीट्यूड एम्बिवेलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि उनका हाई एटीट्यूड एम्बिवेलेंस है, ठीक है। बट और ये कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल जिसमें कॉग्निशन हो इंजॉय एफर्टफुल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, जो जल्दी से सोच समझ के अपना काम कर लेते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड एम्बिवेलेंस कम होगा, ठीक है। बट जिन्हें एम्बिग्यूटी पसंद है, वो मतलब कन्फ्यूजिंग करना है या नहीं करना है, उनके अंदर एटीट्यूड एम्बिवेलेंस ज़्यादा होता है। तो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग आपकी जितनी ज़्यादा है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटीट्यूडनल एम्बिवेलेंस, मैं बोलूँगा कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग आपकी जितनी ज़्यादा है, एटीट्यूड एम्बिवेलेंस उतना कम होगा, और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जितनी लो है, एटीट्यूड एम्बिवेलेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अरेंज मैरिज के बारे में आज जनरेशन का जो एटीट्यूड है वो एम्बिवेलेंट है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हमारी एक वैल्यू है कि वी शुड बी ओबीडियंट एंड एडहेयर टू आर पेरेंट्स, है ना, जो भाई जो पेरेंट्स बोलेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन अब जो आपका प्यार है वो तो बाउंडेड नहीं है ना किसी कास्ट रिलीजन ओरिजन से, है ना, वो तो बाउंडेड नहीं है, वो तो आप किसी भी हो सकता है, ठीक है। और आप वैल्यू भी करते हो क्या, फ्रीडम और पर्सनल चॉइस भी वैल्यू करते हो, तो ये आपस में क्या हुआ, कई बार टकरा जाती हैं, तो क्या हुआ, आपके अंदर एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड पैदा हो गया अरेंज मैरिजेस के प्रति। और ये आज के टाइम पे बहुत सारी आज की जनरेशन जो है यंग 25 से 30 के बीच में वो इसको फेस कर रहे हैं, 35 के बीच में वो इसको फेस कर रहे हैं, उनके अंदर क्या अरेंज मैरिजेस को लेके एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है। तो दिस विल बी ऑल फॉर इन दिस लेक्चर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, keep healthy, keep safe, keep smiling, and we shall see you tomorrow. Bye-bye.